गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 2 एंड टाइटल इज इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS6। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूजिंग द सेलेक्शन टूल्स इन फोटोशॉप। तो स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, सेलेक्शन टूल्स आर यूज टू सेलेक्ट द इमेज और पार्ट ऑफ इट एंड वर्क ऑन द सेलेक्टेड पार्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स, सेलेक्शन टूल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमेज को सेलेक्ट करने के लिए और या फिर उसके पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए जिस पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू, यह जो टूल है यह हम लोगों को सुविधा देता है रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल रो और फिर सिंगल कॉलम शेप को सेलेक्ट करने के लिए। द एरिया कैन बी कॉपीड, यहाँ से एरिया को हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको न्यू लेयर में ले जा कर के पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं ताकि आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इन द टूल बॉक्स आपको राइट क्लिक करना है मार्क्यू टूल पर। इसके बाद मार्क्यू टूल को आप लिस्ट से आप सेलेक्ट कीजिए किस तरह का शेप आप चाहते हैं। तो यहाँ से अलग अलग जो शेप आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, आप जो भी अपने सुविधानुसार आप अपने काम के अनुसार यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके आप चुन सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टू सेलेक्ट ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ एन इमेज यूज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, अगर आप इमेज के रेक्टेंगुलर पार्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का आप यहां पर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद स्टेप टू में दिया हुआ है कि ड्रैग इट ऑन योर इमेज, आपको ड्रैग करना है इमेज पर होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, आपको वहाँ पर होल्ड डाउन करना है लेफ्ट माउस बटन को। नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं एडिशनल ऑप्शंस। इसके अलावे और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर व्हेन यू क्लिक ऑन मार्क्यू टूल इट शोज ऑप्शंस फॉर सेलेक्शन इन द ऑप्शंस बार। तो जब भी आप क्लिक करते हैं मार्क्यू टूल पर तो यह ऑप्शंस को शो करता है ताकि आप ऑप्शन बार में सेलेक्शन के लिए सारे ऑप्शन यहां पर आपको बताया गया है इन डिटेल। तो यूज ऑफ द सेलेक्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे जो कि अवेलेबल है इन ऑप्शंस बार में। तो सबसे पहले फर्स्ट में आप यहां पर देख सकते हैं कि व्हाइल द न्यू सेलेक्शन ऑप्शन इज चूजन, तो जब भी नया सेलेक्शन ऑप्शन चुना जाता है ऑन द ऑप्शन बार तो यू कैन चेंज, आप यहां बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, द एग्जिस्टिंग सेलेक्शन, यानी कि जो पहले से सेलेक्शन है उसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं, है ना, बाय मेकिंग ए न्यू सेलेक्शन, जो भी हम लोग नया सेलेक्शन है उसको अप्लाई करने के करके। सेकेंड में दिया गया है कि टू ऐड एन एरिया टू द एग्जिस्टिंग सेलेक्शन, यानी पहले जो सेलेक्ट किया है उसको हम लोग एरिया को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं
इसके लिए यू हैव टू आइदर चूज द ऐड, या तो आपको चुनना पड़ता है ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन ऑन द ऑप्शन बार, ऑप्शन बार में आप इस सिलेक्शन को चुन सकते हैं, या फिर होल्ड डाउन, नहीं तो फिर शिफ्ट की को होल्ड डाउन कीजिए जब भी आपको सिलेक्शन करना है। फिर नेक्स्ट में दिया है टू सब्ट्रैक्ट एन एरिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिलेक्शन। अब जो पहले से आपका सिलेक्शन किया हुआ है अगर उसको आप घटाना चाहते हैं तो यू हैव टू आइदर चूज द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, वहाँ से सिलेक्शन से आपको सब्ट्रैक्ट आपको चुनना पड़ेगा ऑन द ऑप्शन बार, या फिर होल्ड डाउन आल्ट की, नहीं तो आल्ट की को होल्ड डाउन कीजिए, है ना, जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि टू इंटरसेक्ट एन एरिया, इंटरसेक्ट मीन्स होता है एक दूसरे को काटना, टू इंटरसेक्ट एन एरिया विद द एग्जिस्टिंग सिलेक्शन, यानी पहले सिलेक्शन में अगर किसी एरिया को हम इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको चूज करना पड़ेगा द इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, जो कि ऑप्शन वार पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप शिफ्ट प्लस आल्ट को होल्ड कीजिए जब भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो ऑप्शन बार में जो सिलेक्शंस जो अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको जानकारी दिया गया है। इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस टू क्रिएट अ सिलेक्शन विद द प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग आगे इस पर हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।